जीनियस इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी जी के परिचय के बारे में और उनके प्रथम कड़बक के बारे में पढ़ा था। अब यह दूसरा कड़बक प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी ध्यान दें, इस कड़बक में एक ऐतिहासिक घटना को रेखांकित करने के लिए कवि ने प्रयास किया है। इस कड़बक में रतन सेन, अलाउद्दीन और पद्मावती रानी, जिनके बारे में एक फिल्म भी आ चुकी है पद्मावत, उन्हीं पद्मावती रानी के बारे में, यह ऐतिहासिक सत्य है कि हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए स्लेव डायनेस्टी में, गुलाम वंश में और उसके बाद के मुगल शासकों ने भी प्रयास किया था। निश्चित रूप से इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का भी प्रयास मुसलमानों के द्वारा किया गया था। यह वीडियो चैनल केवल ऐतिहासिक सत्यों को ही आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा। ध्यान दें, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत के लेई, गाड़ी प्रीति नैन जल भेई, औ मन जान कवित अस कीना, मकु या रहे जगत माचीना, कहा सुरतन सेन यस राजा, कहा सुहास बुद्धि उपराजा, कहा अलाउद्दीन सुल्तानू, कह राघव जे किन बखानो, कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी, धनी सुपुरुख जस कीरति जासु, फूल मरय पै मरय न बासु, के न जगत जस बेचा, के न कीन जस मोर, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुइबो। कवि कहते हैं कि वह रतन सेन राजा कहाँ है, वह अलाउद्दीन कहाँ है, वह पद्मावती रानी कहाँ है और वह राघव चेतन कहाँ, सब चले। बहुत ही मार्मिक कथा के सारांश के रूप में इस पद्य को लिखा गया है। YouTube चैनल पर इसकी व्याख्या बहुत सीमित दायरे में मैं कर रहा हूँ, इसकी व्याख्या बहुत दिनों तक की जा सकती है, लगातार 3-4 क्लासेज में की जा सकती है। मैं इसे संक्षेप में प्यारे बच्चों आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में कहते हैं कि मैंने प्रयास करके जोर करके सुनाया। कैसा सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जिसने सुना वह प्रेम के पीर को, प्रेम के दर्द को सुना, गाया और पाया। यह प्रेम की कहानी है, प्रेम के दर्द की कहानी है। एक प्रेमी किस प्रकार से अपने जीवन को समाप्त कर देता है, पद्मावत फिल्म को देखिए, या अगर आपके पास समय हो, आपकी साहित्य में जिज्ञासा हो तो पद्मावती को एक बार, पद्मावत को पढ़िए, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना को, उसके हिंदी वर्जन को भी पढ़िए, आप देखेंगे कितना दर्द उसमें भरा हुआ है। जो रिलाई रकत के ले, रकत के ले, रक्त के से सना हुआ एक कहानी का विस्तृत रूप में आपके समक्ष रख रहे हैं। ले मतलब ईंटों को जोड़ने के लिए जो मसाला प्रयुक्त किया जाता है, वह खून से बना हुआ ऐतिहासिक सत्य है। रत्नसेन राजा ने अपनी रानी को बचाने के लिए और राजपूतों ने पूरे मेवाड़ की और भारतवर्ष की अस्मिता की रक्षा करने के लिए खून, अपने खून से भारत के इतिहास को सींचा है। इससे कोई भी विद्वान इसे नकार नहीं सकता है। जो रिलाई रक्त के ले, रक्त के मसाले से यह कहानी बना हुआ है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, इतनी गाढ़ी प्रीति है कि आंखों में जल भराता है। ओ मन जान कवित अस कीना, मगु या रहे जगत माचीना। कवि कहते हैं कि मैंने इस कहानी को इसलिए लिखा है कि वह प्रेम का जो एक दृष्टांत है, वह संसार में अक्षुण्य रहे, उसकी याद बनी रहे, वह परंपरा याद रहे, वह रतन सेन राजा याद रहे, वह रूपवंती नारियों में श्रेष्ठ पद्मिनी याद रहे,
वह भारत का इतिहास याद रहे कि किस प्रकार से भारत के ऊपर जोर जुल्म किया गया। आतंकियों ने उसे बार बार आक्रांत करके भारत की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास किया। भारत की धन संपदा को लूटना बहुत बड़ी बात नहीं है, भारत की अस्मिता को खंडित करना बहुत घृणित और निकृष्ट कार्य है। औ मन जान कविता सकीना मकु या रहे जगत माचीना। ध्यान दें, मलिक मोहम्मद जायसी अलाउद्दीन सुल्तान के यहाँ थे, इसलिए उनकी भी बुराई भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को आदिकाल के बारे में बताया था, चारण काल के बारे में बताया था, और कवियों के लाचारी के बारे में भी बताया था। कहां सुरतन सेन यस राजा, कहां सुवा असबुद्धि उपराजा। वह रतन सेन वह वीरों में श्रेष्ठ राजा रतन सेन कहां रह गया, अर्थात वह अब नहीं है, उसकी स्मृति केवल शेष है। कहां सुवा असबुद्धि उपराजा, वह सुग्गा अब कहां है, वह अब नहीं है जो बुद्धियों में श्रेष्ठ था। इस कथा को बारहमासा को हम लोगों ने बीएचयू में पढ़ा था। वे मैडम अभी कैंसर से मरी हैं, मुझे दुख है। मुझे अभी पढ़ाते समय उनकी याद आ रही थी। कहां सुवा असि बुद्धि उपराजा, वह सुग्गा कहां है, वह तोता कहां है, वह तोता अब नहीं है जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्धिमान था। कहां अलाउद्दीन सुल्तान, वह अलाउद्दीन सुल्तान कहां है, वह भी अब नहीं है, केवल कहानी रह गई है। कह राघव जय की ने बखानू, वह राघव कहां है, वह राघव चेतन नामक व्यक्ति कहां है जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती रानी का के रूप सौंदर्य का व्याख्या किया था, बखान किया था, जिससे प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। कह स्वरूप पद्मावती रानी, वह पद्मावती रानी कहां है, अर्थात वह भी नहीं है। कोई न रहा जग रही कहानी, सब चले गए केवल कहानी। धनी सो पुरुख जस कीरति जासु, वह व्यक्ति धन्य है। धनी मतलब धन्य, भावना के आवेग में मैं शब्दार्थ आप लोगों को बताना, मैं केवल व्याख्या किया हूं। धनी मतलब श्रेष्ठ, धन्य। धनी सो पुरुख, पुरुख मतलब पुरुष। पुरुष पुरुख जस कीरति जासु, वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसकी कीर्ति अक्षुण्य रहती है। व्यक्ति मर जाते हैं लेकिन उनकी कीर्ति नहीं मरती है, कीर्ति ही व्यक्ति को जीवित रखती है। तो धनी, धनी मतलब श्रेष्ठ है वह व्यक्ति जो मर जाते हैं लेकिन उनकी कीर्ति जीवित रहती है। फूल मरे पे मरे न बासु, बासु मतलब बास, बास मतलब सुगंध। जैसे भोजपुरी में, भोजपुरी के बहुत सारे शब्दों का उन्होंने प्रयास किया, जैसे मकु, मकु मतलब साया, चिन्ना पहचानना, ये सब भोजपुरी के शब्द हैं। मकु मतलब मुझे, मकु मैं यहां लिख रहा हूं, मकु मुझे, चिन्ना पहचानना। ध्यान दीजिए, बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं। फूल मरे पर मरे न बासु, यहां तक हम लोग के फूल मर जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका सुगंध नहीं जाता। जैसे हम लोग यहां कहा जाता है कि हींग के डब्बे से अगर हींग समाप्त हो जाए तो भी उसका सुगंध नहीं जाता है, डब्बे को सूंघकर आप बता सकते हैं कि इसमें हींग था। वैसे ही कवि कहते हैं कि पुरुष के मरने के बाद भी उसकी कीर्ति वैसे ही रह जाती है जैसे फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसका सुगंध अक्षुण्य रहता है, उसी में निवास करता है। के न जगत जस बेचा, के न लीन जस बोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। इस संसार को किसने नहीं बेचा, अर्थात इस संसार में किसने अपना यश नहीं खोया। संसार में जस, जस मतलब यश, जस जस यश, बहुत सारे पुरुष हैं
जिन्होंने इस संसार में अपने यश को, अपनी कीर्ति को, अपने पूर्वजों की कीर्ति को समाप्त कर दिया। यही नलीन जसमोल, बहुत सारे लोगों ने धन संपदा को लुटाकर यश को खरीद लिया। जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, जो भी यह कहानी पढ़े वह मेरे बारे में भी याद कर ले, स्मरण कर ले। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था, काव्यम यश से अर्थ विदे व्यवहार विदेश वेतर क्षतये सद्दा पवी निर्वृत्ते कांता समित उपदेश युजे। काव्य यश के लिए लिखा जाता है। कवि अंत में कहते हैं कि यह संसार में जो कहानी पढ़ेगा वह मेरी कीर्ति को भी, मेरी कहानी को भी, मेरे नाम को भी याद रखेगा। इसीलिए मैं इस कहानी को लिख रहा हूँ, और मेरे साथ साथ अलाउद्दीन को भी याद रखेगा, रतन सेन को भी याद रखेगा, उस बुद्धिमान सुग्गे को भी याद रखेगा, और सुंदरियों में श्रेष्ठ रूपसी जिनकी आज भी स्मृति, आप अगर चित्तौड़गढ़ में जाए तो पद्मावती महल है, वह उन पद्मावती को याद रखेगा, उस देशद्रोही राघव चेतन को याद रखेगा जिसने अपने क्रोध में आकर देश को समाप्त करने का कुछ प्रयास किया था। धन्यवाद।